हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नीट पीजी 2020 का एडमिट कार्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स परेशान हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आने वाला है, और बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि 28 को ही एडमिट कार्ड आने वाला है। तो 28 को नहीं आएगा आपको एडमिट कार्ड, एनटीए रिलीज करेगी 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है, इसको लास्ट तक वीडियो देखें कि क्या एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद आपको जब एग्ज़ाम होगा तो एग्जामिनेशन सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सारा मैं अपडेट दूंगा। यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक पहुंच जाती है बिल्कुल आसानी से। तो एनटीए ने नोटिस आज ही डाला है 28 दिसंबर 2019 को। तो ये आप नोटिस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या है नोटिस। ठीक है, तो दिया हुआ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली नोटिस एडमिट कार्ड फॉर नीट पीजी 2020 रिगार्डिंग। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एप्लीकेंट्स कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फॉर नीट पीजी 2020 फ्रॉम वेबसाइट www.nve.edu.in यूजिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर्म 31 दिसंबर 2019 ऑनवर्ड। यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो 31 दिसंबर 2019 को एनटीए रिलीज कर देगा। उसे आपको एनटीए को ऑफिशियल साइट पे जाके और डाउनलोड करना है। साइट है www.nve.edu.in पे आपको जाके डाउनलोड करना है। सेकेंड पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास्ट दियर लेटेस्ट फोटोग्राफ इन द प्रेस्क्राइब्ड स्पेस इन द एडमिट कार्ड एंड रिपोर्ट to the examination center within prescribed time along with documents as mentioned in the admit card and information bulletin. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग टू द टेस्ट सेंटर द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट। आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना जरूरी है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं तो आपको एग्जाम के लिए नहीं एंट्री दी जाएगी। ठीक है, तो ए नंबर पे है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड विथ फोटो ऑफ द कैंडिडेट पास्टेड ऑन इट। यानी कि आपको प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेके जाना है जिसमें आपको कलरफुल फोटो होना चाहिए एडमिट कार्ड पे। अगर ये फोटो नहीं होगा तो आपको रेस्टिकेट कर दी जाएगी एडमिट कार्ड को। बी है, एनी वन ऑफ द ऑथराइज फोटो आईडी। ठीक है, आपको ऑथराइज आईडी लेके जाना है फोटो जिसमें होना चाहिए। ठीक है, दिया हुआ है उसमें कॉस्ट में, मस्ट बी ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड एंड नॉन एक्सपायर, आपको वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो फिर नीचे पॉइंट में दिया हुआ, जैसे कि आपको पैन कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यही वीडियो था। यदि आपको ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन सही लगा तो लाइक करना ना भूलना, और आप लोगों को हमेशा की तरह एक नई अपडेट आपको आप तक पहुंचाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।